जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है ऋषि का बदला और राजा। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, यह कथा कुछ इस प्रकार है। दुनिया की सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, फिर भी समुद्र का तल एक सा बना रहता है। इसके पीछे कारण है बड़वा नल, यानी समुद्र के जल में लगी आग। घोड़े के मुख और अग्नि के मिले जुले रूप वाले ऋषि औरव, कार्तवीर्य के पिता कृतवीर्य बहुत उदार राजा थे। वे हमेशा अपनी प्रजा और दूसरों का ख्याल रखते। भृगुवंशियों यानी भार्गव ब्राह्मणों की विशेष सेवा करते, भरपूर धन देते क्योंकि ये उनके पुरोहित हुआ करते थे। कृतवीर्य ने इतना दान दिया कि जब वे मरे तो उनके बेटों के लिए खजाना खाली था। अब राजकाज कैसे चलता? वैसे भी बेटे कृतवीर्य की तरह दानी और दयालु ना थे। उन्होंने भार्गवों से कहा कि वे उनकी धन देकर मदद करें। दान भी कोई वापस देता है? भार्गवों ने टका सा जवाब दिया। यही नहीं, उन्होंने उनका मजाक भी बनाया। हार कर कृतवीर्य के वंशजों ने हथियार उठा लिए और संपन्न भार्गवों को लूटने लगे। इस लूट से आपसी शत्रुता बढ़ी, भयानक हिंसा फैली। निहत्थे भार्गव ब्राह्मण हर ओर बुरी तरह काटे जाने लगे। भार्गवों के आश्रम जंगलों में थे। एक भार्गव स्त्री लुटेरे हथियारों से बचकर आश्रम से निकलकर जंगल में भाग आई। यह ऋषि चैवन्य, जिन्हें उर्व भी कहते थे, उनकी पत्नी आरुषि थी। आरुषि गर्भवती थी। कहते हैं कि आरुषि इतनी तेजस्विनी थी कि उनकी रक्षा के लिए स्वयं देवराज इंद्र उनके पीछे पीछे चल रहे थे। आने वाले खतरे से डरी हुई आरुषि बेतहाशा भाग रही थी कि एक पेड़ के डाल से उनके पेट पर गहरी चोट लग गई। चोट लगने से आरुषि बेहोश हो गई। उन्होंने समय पूर्व ही एक बालक को जन्म दिया। विपत्ति में दैवयोग से पास में स्थित एक आश्रम में उन्हें शरण मिल गई और वहां उनकी सेवा टहल हो सकी। आरुषि ने अपने बेटे का नाम औरव रखा। थोड़ा बड़ा होने पर उसने अपनी माता से उनकी इस दुर्गति का कारण पूछा तो आरुषि ने सब बता दिया। तभी से औरव ऋषि के मन में क्षत्रियों और उनके परिवार के लिए कट्टर वैर भाव का जन्म हुआ। किशोरावस्था पार करते करते औरव ने अपने समुदाय के ऊपर अत्याचारों की इतनी कथा सुनी कि उन्होंने यह फैसला कर लिया कि वह इसका बदला जरूर लेंगे। औरव ने इसके लिए घोर तप करना आरंभ कर दिया। औरव का तप किसी देवी देवता या किसी तरह के वरदान को लेकर नहीं बल्कि क्रोध और प्रतिशोध को लेकर था, जिसे वह अपने पूरे शरीर और व्यक्तित्व में समेट लेना चाहते थे। औरव का तप जब समाप्त हुआ तब तक औरव क्रोधाग्नि का स्वरूप बन चुके थे। लोग उन्हें अग्नि का मानव रूप कहते थे। आखिर एक दिन अपने गुस्से की आग से उन्होंने पृथ्वी को भस्म करने की ठान ली। देवताओं को लगा कि औरव में ऐसी ताकत है कि वह ऐसा कर सकते हैं। वह बहुत घबराए, पर तब तक औरव के पूर्वजों ने उन्हें ऐसा ना करने का उपदेश दिया। औरव मान गए, पर इस शरीरधारी अग्नि को देखकर देव, दानव, मानव सभी दहल गए। सब मिलकर पितृलोक गए और वहां पर जाकर पितरों से कहा, औरव तो चलते फिरते ज्वालामुखी हैं, उनके भीतर बदले का लावा खलबला रहा है। यदि वह फट पड़े तो सब मारे जाएंगे। आप उन्हें अपने क्रोध को समुद्र में डालने को कहें। पितरों ने सबकी बात पर गौर किया और औरव को आदेश दिया कि तुम्हारा क्रोध तुम्हारे पास रहना समाज के लिए खतरनाक है, इसे सागर में समाहित कर दो। औरव ने पितरों के आदेश का पालन किया। शांत होने पर अपना क्रोधानल सागर को दे दिया। इधर कृतवीर के वंशजों ने लूटपाट कर धन और बल बढ़ाया और अयोध्या पर आक्रमण कर उसे जीत लिया।
अयोध्या के राजा बाहु ने भागकर अपनी पत्नी के साथ उसी आश्रम में शरण ली जहां औरव रहते थे। बाहु अपमान, दुख और निराशा के चलते जल्द ही मर गए तो उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होने के लिए तैयार हुई। कालिंदी तब गर्भवती थी और उनके सौत ने उनको धीमा जहर दे रखा था। औरव ने कालिंदी से कहा कि सती मत हो, गर्भ में पलने वाले शिशु की हत्या मत करो, यह पुत्र प्रतापी होगा और अपने कुल की मान मर्यादा लौटा लाएगा। कालिंदी मान गई, उनको बेटा हुआ। कालिंदी के बेटे का नाम रखा गया सगर। सगर मतलब विषहित। बालक को औरव ने ही शिक्षा दीक्षा दी। आग उगलने वाले हथियारों को चलाने में तो उसका कोई जोड़ ही ना था। सगर जब बड़े हुए तो ना केवल उन्होंने वापस अपना राज्य अयोध्या जीता, बल्कि कृतवीर्य के वारिस अहम वंशियों को इस तरह पराजित किया कि वे बहुत वर्षों तक सर उठाने लायक ना रहे। उधर औरव की उम्र निकलती जा रही थी। ऋषि मित्रों ने कहा कि तुम्हें गृहस्थी बसानी चाहिए, संतान पैदा कर वंश चलाना चाहिए। औरव ने जब यह बात अनसुनी कर दी तो उन्होंने अपना अनुरोध बार बार दोहराया। औरव ने अपना जवाब दिया कि मैं विवाह कर संतान पैदा कर सकता हूँ, पर मेरी संतानें साक्षात आग ही होंगी, दूसरों को भस्म करके अपना पेट भरेंगी। मेरा रक्त वीर सब अग्नि में है, यकीन ना हो तो यह देखो। ऐसा कहकर उन्होंने अपने शरीर पर प्रहार किया। एक भयंकर आवाज गूंजी, बहुत भूखा हूं, बाहर आने दो, संसार को अपने में समाकर भूख मिटाने दो। यही आवाज बार बार गूंजने लगी। यह आवाज ऐसे भयानक थी कि ब्रह्मा जी तक ने सुनी। ब्रह्मा जी तत्काल औरव के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ, तुम्हारा मुख अश्व जैसा होगा जिससे शरीर की अग्नि बाहर निकलती रहेगी। उस अग्नि को संभालने की क्षमता समुद्र के अलावा किसी और में नहीं, इसलिए तुम समुद्र में रहो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जब यह कल्प का अंत आएगा, जल प्रलय होगा, तब तुम्हें मेरी समूची सृष्टि को भस्म करने का मनचाहा अवसर भी मिलेगा। तब से ऋषि औरव बड़वा नल बन समुद्र में रहते हैं और अपनी ज्वाला से उसका अतिरिक्त पानी भाप बनकर उड़ाते रहते हैं। इसी कारण समुद्र के जल का तल एक सा बना रहता है और बाढ़ नहीं आती। कल्प के अंत में जब औरव यानी बड़वा नल समुद्र से निकलकर समूचे संसार को भस्म करेंगे तो एक तरफ यह आग होगी तो दूसरी तरफ समुद्र में बड़वा नल ना होने से उसका जलस्तर अचानक बढ़ेगा, जल प्रलय आ जाएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।